नमस्कार, संसार सागर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक। पिछली बार मैंने आपको ई बुक्स की साइट के बारे में बताया था। मैंने अपने पिछले दो वीडियो में अलग अलग ऐसी साइट के बारे में बताया है जहां पर आप ई बुक्स पढ़ सकते हैं। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक्स किताबें पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो उन वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने पहले वीडियो में बताया था gutenberg.org एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप फ्री में बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया था feedbooks.com के बारे में। वहां पर आप फ्री में और पेड बुक ले सकते हैं। वहाँ पर कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि आपको फ्री में मिल जाती हैं और कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो आप उन साइटों को देख सकते हैं और बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आज मैं आपको एक तीसरी वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए। यदि आपने मेरे चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ और आपको जानकारियाँ देता हूँ जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। आप एक बार मेरे साइट को विजिट करें और देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं जो कि इंटरेस्टिंग हैं। ये मेरा चैनल है संसार सागर। यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब आप ये रेड कलर के बटन पर सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बेल आइकॉन नज़र आएगी। जी हाँ, आपको एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी पर आप क्लिक कीजिए। जैसे ही फ्यूचर में मेरा नया वीडियो आने वाला होगा उसकी सूचना या नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो जाएगी और आप वीडियो को देख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं, यदि आपको पसंद आते हो तो आप उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आप ही की तरह दूसरे भी वीडियो को देखकर जान सकें और सीख सकें। यदि मेरे वीडियो से संबंधित आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए तो हम देखते हैं वो कौन सी साइट है जिस पर हम किताबें बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। ये क्रोम ब्राउज़र का सर्च बार दिया गया है, यहाँ पर टाइप कीजिए authorama.com। यहाँ पर ये लिखा हुआ है authorama.com। ये टाइप करने के बाद आप इंटर कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलती हैं, जिनमें से सबसे पहले authorama पब्लिक डोमेन बुक्स दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस साइट पर पहुँच जाते हैं। पब्लिक डोमेन बुक्स हैं authorama, ये एक साइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अल्फाबेटिकल कैटेगरीज हैं, अल्फाबेटिकल बुक्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। जो बुक्स आपको, जो कैटेगरी आपको अच्छी लगती हो उस कैटेगरी या बुक्स को आप देख सकते हैं। इसके साथ यदि आप बुक्स को सर्च करना चाहें तो यहाँ पर साइड में सर्च का बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर उस बुक का नाम टाइप करें जो बुक आप सर्च करना चाहते हो
और यहाँ सर्च पर आप क्लिक कीजिए। यदि वो बुक यहाँ पर अवेलेबल होगी तो आपको प्राप्त हो जाएगी और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।